हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइज, फिलहाल अभी बनाने लगे हैं रावण और साथ में आज हमारे आ चुका है नमन दप्रयो और साथ में हमारे यहाँ पर नमन दप्रयो और साथ में मैंने यहाँ पर अपनी ये देखो भाई साहब, ये कितनी शानदार हाथ है भाई। नमन एक बार लगा के दिखाइयो हाथ, ये वाला छोटे वाला पोर्शन बेटा, छोटा है ये, जैसे छोटे वाला ना। हाँ, ये डोला है इसका, ये डोला। हाँ, एक ऐसा लगेगा गाइज, ये देखो आप दूर से, आपको लग रहा होगा ये मोटा, बट ये मोटा नहीं है, ट्रस्ट में भाई। जब इसके ऊपर हम वो बनाएंगे ना इसका कवर, तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक तरफ से गाइज ये वाला लगेगा, ये देखो। अगर यार नमन दोनों पकड़ लेगा साथ साथ, हाँ ऐसे पकड़, बस ऐसे चिपका मत, दूर से दिखा दे। ये देखो गाइज, भाई साहब, गाइज क्या शानदार लुक आ रहा है हमारे रावण का। गाइज आप बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है, मेरे को तो बड़ा ज्यादा, ओए उसने गर्दन लगा ली। गाइज देखो यार कितना ज्यादा शानदार लुक आ रहा है, मतलब ये पुच्ची है गाइज, पुच्ची। बट यार जोक सपाट यार, मस्त लग रहा है। अब इसको पहले जॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर का भी बनाएंगे, फिर इनपे भी भाई पेपर वेपर अच्छे तरीके से लगाएंगे और डिजाइन विजाइन भी करेंगे। अब तो लगभग काम हो गया, पैर तो अखीर में बनाएंगे, है नमन, है ना, करें इसको ज्वाइन करते हैं। चलो तो गाइस अभी इसको उठाते हैं यहाँ से नीचे और इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और भाई अब इसका हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने के लिए देखो भाई यहाँ पर है इसके किनारे पे बांस जो कि इसके ऊपर लगा हुआ। भाई देखो कितना मजबूत हो गया, उठा के भी फेंकूंगा कुछ नहीं होगा भाई, चीज एकदम जेन्युइन बनाई है भाई। जूता भी बढ़िया है, माल भी बढ़िया है, माल मिलाई है, लेने में भलाई है, इसलिए बिहार जाने वाला ट्रक पलट गया भाई। तो भाई इसको लगाएंगे यहाँ पर फटाफट से और ये ऐसे अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ तारे लगानी पड़ेंगी हमें। तो मेहरबान कदर दान, हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई तार। बोले शिव मंत्र, शिव मंत्र, बोले शिव मंत्र, शिव मंत्र। देखा तार गायब हो गई, होगी कि नहीं होगी? कोई बात नहीं, हम तो एक सेकंड भाई, ये जो है ना ये इधर जुड़ेगा ना, ये ऐसे जुड़ेगा ना, हाँ हाँ बस ऐसे ऐसे है ना, ऐसे जुड़ेगा ना ये। तो एक काम करना, जहाँ जहाँ है नमन मामा छेद करियो, यहाँ कर दे छेद कर थोड़ा सा, बट निशान लगा दे काट में, अपने आप दूंगा ये। बस निशान लग गया, बस बस इतना ही निशान लगाना हमने, और एक नीचे भी ऐसे ही लगा दे। ये तो हो गया ना नीचे वाली साइड पे, बॉटम के हाथ के बॉटम पे। गाइस देखो जो छाती बाहर से ऐसी दिखती है, अंदर से कैसी है भाई, ये देखो भाई क्या शानदार हमने डिजाइनिंग दिया भाई छाती को, है पूरी कर्व्ड के अंदर। तो हर चीज प्लानिंग से चल रही है अभी तक तो हमारी, टचवुड। अब ये देखो हमने ये तार घुसा दिया, ऐसी हमें ना तारे घुसानी है इसके अंदर, और इधर से निकाल देना मन बाहर, इधर से तार बाहर निकाल दे इस वाली डंडी यहाँ पर। गाइस एक बीच में डंडी है, तो अभी देखो ये थोड़ी दूर से निकल गए बेटा, पास से निकाल, अरे दूर से निकल गए इसको ना, यहाँ पास से डंडी के बिल्कुल जस्ट पास से निकालो। ये ना हमें बस ऐसी तारे लगानी पड़ेंगी भाई। हाँ ठीक है बेटा, कर दे कोई दिक्कत नहीं, जान दे थोड़ा बहुत चलता है वो, ऊपर पेपर फिर से अटैच हो जाएगा, जहाँ जहाँ डेकोरेशन थोड़ी ख़राब होएगी ना। ये देखो भाई अंदर ना असल में कपड़ा, इसलिए इधर लग रहा है ना टाइम, बट चलो कोई बात नहीं भाई, यही चीज़ मेन है। अब ये देखो भाई ये हमारे पास जॉइंट आ चुका है एक, राइट, ऐसी हमें जॉइंट एक नीचे लगाना है और एक एक जॉइंट हमें यहाँ लगाना है, एक जॉइंट हमें यहाँ लगाना है, तो फिर हमारे हाथ के लिए चार तारे हो जाएंगी, चार तारों से आराम से जुड़ जाएगा। तो गाइस फिलहाल अभी देखो हमारा रावण का हाथ लग चुका है यहाँ पर, एक बार हटियो समन सामने से नमन। तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके से लगा है। गाइस आप बिल्कुल भी मत सोचना रावण का हाथ मोटा है, घाघरे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। छाती के ऊपर अभी हमें एक कवर लगाना, जो सबसे मेन हमारा काम है, वो बाद में दिखाऊंगा कैसे, बट फिलहाल अभी यहाँ पर देखो कौन आया है, बताओ भाई कौन आया है? तनिष भाई, तनिष द प्रो, ये नमन द प्रो है, ये तनिष द प्रो है, दोनों दोनों गाइस मैं आपको बताऊं फ्री फायर के बशिंदे हैं, बशिंदे मतलब आपकी सोच से भी परा होगा, इतने नूब होंगे आपके आपके सोच से भी परे। तो गाइस फिलहाल यार देखो एक हाथ तो हमने यहाँ पर लगा दिया है और दूसरा अभी हम लगाने लगे थे, अलग करना है इसको, अभी ये साथ नहीं लगा हुआ। बट यार हम सोच रहे थे पहले इसकी ढाल बनाएंगे यूं करके, बट अभी प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि भाइयों ने बोला है, तनिष भाई ने और नमन भाई ने बोला है कि ऐसे भैया ज्यादा बेटर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा घमंड लग रहा है, मतलब है ना थोड़ा घमंड लग रहा है रावण के अंदर, तो थोड़ा सा भैया इस तरीके से करो। मैंने बोला भाई जैसे आपको अच्छा लगे, तो भाई अब इसको भी सीधा करके लगाएंगे और रावण के हाथ में एक हाथ में तलवार देंगे और एक हाथ में कोई अच्छी सी चीज देंगे और भी, ताकि भाई खूंखार सा लगे भाई, मजा आ जाएगा। और मैं तो सोच रहा हूँ गाइस जो रावण है ना इसके अंदर भी हम पता क्या करें, यहाँ पर इस तरीके से भाई नुकीले नुकीले पूरे वो बना दे ब्लैक कलर के भाई साहब, सींग से, सींग नहीं मतलब जो मुकुट वगैरह ही होता है, ऐसे अच्छा लग रहा है। चलो वो तो बाद की बात यार, वो तो बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा डेकोरेशंस के तौर पे हम कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे, है ना, बट वो बाद की बात है। फिलहाल यार अभी इस हाथ को लगाते हैं, दिखाते हैं फिर ऊपर रख के कैसा लग रहा है। तो गाइस फिलहाल यार ये देखो हमारे हाथ भी लग गए हैं और रावण का फेस देखो अभी यहाँ पर नमन लेकर पकड़ा हुआ है, अभी गर्दन नहीं लगाई हमने, बट कुछ इस तरीके का आएगा।
हाथ थोड़े से मेरे को पता इसको टच हो रहा है, बट उसका कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा। थोड़ा सा रावण के यहाँ डोले भी बनाएंगे भाई न्यूज़पेपर लगा के, टेंशन की कोई बात नहीं है। और इसके ऊपर अभी कवर भी लगेगा यार, जो हम बनाएंगे भाई बहुत शानदार लगेगा। गाइज आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है यार। तो गाइज फिलहाल अभी बन चुका हमारा रावण, और एक बार रखना इसके ऊपर रखना तनिष भाई। और ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक लुक आ रहा है बेटा। ये घाघरा इधर को, एक मिनट रुकना, रुक जाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ अब ऐसे ही रहने देना, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। और देखो गाइस क्या बात है यार, सही सही बताना कैसा लग रहा है नमन भाई, मज़ा आ गया तेरे को, कैसा लगा? बहुत तगड़ा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। अभी तो इसके अंदर पता क्या करेंगे, यहाँ पर भी ना न्यूज़पेपर बॉल्स बना के लगाएंगे यहाँ ऐसे, और थोड़ी सी न्यूज़पेपर बॉल्स यहाँ, जिससे मसल्स दिखेंगे बढ़िया वाले। एक लगा देंगे वो गब्बर है ना, वो ऐसे वो जैसे वो लगाता है लड़ी, लड़ी, लड़ी नहीं नहीं कुछ और अच्छा सा भी बनाएंगे, मतलब वो भी कर सकते हैं, वो तो बाद में बम की फिटिंग के टाइम काम आएगा, बट अच्छा आइडिया दिया भाई ने। हाँ लगाओ लगाओ, नमन भाई उठाओगे? ओ नहीं नहीं आगे से नहीं उठाते, पीछे से उठाते बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, वो उठा लेगा बेटा, रुक जा उठा लेगा, गिर गया जा हो जाएगा काम। नमन पीछे जाके खड़ा होइए, इसके लगाइए एक बार। ओ भाई साहब यार क्या बात है, देख के ऊपर हाथ से ना टकराए। गाइज ये देखो यार, आप बताओ भाई क्या लग रहा है यार, भाई साहब सोचिए गली में खड़ा हुआ रावण है ना, और हाइट भी यार जितनी है ना अभी तो इसकी, यार पता क्या चक्कर है, थोड़ा सा इधर को घुमा बेटा ऐसे, हाँ ऐसे टच हो रहा है, टच नहीं करना, हाँ बस अभी ऐसे रख ले, वो मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार देखो गाइज यार आप खुद देखो भाई साहब, मतलब मज़ा आ गया, जिसको कहते हैं ना निर्वाणा, वो चीज़ है भाई साहब, फुल लग रही है। उसके नीचे सोच पैर लग गए तो क्या चीज़ लगेगा यार, पैर नहीं बनाते, नहीं पैर भी बना लेंगे मैं सोच रहा हूँ, खड़ा हो ही नहीं पाएगा, लगा लो शर्ट। कोई बात नहीं, कोई ना कोई जुगाड़बाजी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं तो प्लेट बना देंगे, रख दे बेटा वापस रख दे यार। बट अच्छा लग रहा भाई, मज़ा आ गया। देखो हाथ भी बन गए हमारे रावण के, अब इसकी यार चेस्ट का भी बनाना, पहले गर्दन बनाते हैं यार, जिससे ना मुंह फिक्स हो जाए, अगर बड़ी दिक्कत रहती है ना मुंह को, एक बार फिक्स कर लेते हैं यार। गाइस यार अभी देखो क्या हुआ, एकदम से ना रावण जैसी हवा आई ना, रावण नीचे गिर गया, गिरा यार बहुत अच्छा भाई, टूटा नहीं यार, देखो बच गया भाई, टूट ही नहीं सकता इतना मजबूत तरीके से बना, पत्थर हो गया भाई ये, टूटेगा ही नहीं भाई। फिर भी एक सेकंड सब डर गए थे यार भाई, मेरी तो सांस फूल गई थी कि अब नया, मैंने तो गिरते वक्त ही सोच लिया कि नया बनाना पड़ेगा भाई। गाइस अभी रावण तो हम बना रहे थे, लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ, भाई को मैंने बोला कि अगर मान ले तेरे को मान ले 2,000 करोड़ रुपए मिल गए, तो तू क्या करेगा सबसे पहले? पहले मैं करूंगा, पहले 40-50 करोड़ बंदे तो अपने गेट्स पे रखूंगा, अच्छा सिक्योरिटी के लिए, ओके ओके। फिर मेरे 21 फ्लोर होंगे, हाँ। फिर मैं 24 51, ओके। तो फिर मैं उसके ऊपर वाले लेयर में 50 लाख बंदों की रखूंगा लेयर। भाई साहब गाइस जितना पैसा इसको मिलेगा सारे बंदे रखने में गवा देगा ये, फ्लोर के ऊपर कोई आएगा ही नहीं, क्यों okay. किसी की औकात नहीं होगी। ये देख रहे गाइस 5 रुपए की चवन्नी 2,000 करोड़ रुपए की बात कर रही है। तो गाइस फिलहाल यार अभी हमने यहाँ पर सर्कल बना लिए गर्दन के लिए, तनिष भाई ऊपर पकड़ना, ये एक सर्कल इस तरीके से रहेगा और एक सर्कल इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से, ये तो उसके साथ ही जॉइंट हो जाएगा, मतलब छाती के साथ ही, और ये ऊपर नेक बन जाएगी इसकी, क्योंकि ये छोटा सर्कल है तो कुछ इस तरीके से डंडियां लगाकर बना देंगे। और यहाँ पर देखो गाइस ये क्या हो रहा है, ओए सो गया भाई, ये देखना भाई अंदर सो गया आराम से ये सही मस्त, इसका बढ़िया, इसको नींद आ जाती है, ये आके गाइस सो गया अभी ड्रम के अंदर, ये ऐसे ही कभी कभार टैंकी में सो जाता है, कभी कभार खाट पे तो, हाँ चलो कोई बात नहीं, सोने देते हैं यार। तो गाइस फाइनली यार इसको भी बना लिया है, और ये देखो कुछ ऐसा बना है हमारा, ऊपर से पतला सर्कल है और जो नीचे से है वो थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, छाती के ऊपर था, जैसे छाती के ऊपर लगा हुआ था ना ये वाला पोर्शन, तो सेम ऐसे ही बनाए। अभी इसकी बन जाएगी गर्दन, और ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा भाई, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करके रखना पड़ेगा ताकि मुंह टेढ़ा मेढ़ा ना आए, है ना भाई। सारा काम ना भाई ये वाले पूरा मैंने करा भाई, इन्होंने कुछ करा ही नहीं यार, ये सारा काम नमन ने करा है, ड्रम में, इस ड्रम में बैठ के कह रहा सारा काम हमने कुछ नहीं करा है, बट चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। तो अब इसके ऊपर रख कर देखते हैं वो यार मुंह को। गाइस अभी फिलहाल हमने पगड़ी मुंह से हटा ली है, क्योंकि फिट करना है ना तो पगड़ी गिर ना जाए, और अभी इसको लगाते हैं एक बार, रखें आराम से। नमन तू रख, नमन तू रख, तेरी हाइट अच्छी है, अरे यार उस पे मत खूब जा देना, खूब आएगा यार, रुक जा ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा नहीं होगा कि, ठीक है इतनी वैसे तो, रुक जा उतार ले, पकड़ ले हाथ में, पकड़ ले अब इसको पकड़ ले। तो गाइस काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत के बाद भाई देखो अब इसके अंदर एक लंबी रोड लगानी पड़ी, पहले टिक नहीं रहा था और फिर करके अब हमने इसको टिका दिया भाई, और अभी देखो कुछ इस टाइप का लग रहा है। और अगर हम थोड़ा सा गाइस दूर से व्यू ले तो भाई देखो कुछ इस टाइप का ही रावण का लुक आता है।
आप कमेंट में बताना भाई कैसा लग रहा है। अभी इनके हाथों में अभी कलर भी होएगा और गर्दन पे भी अभी पेपर और सब चीज़ें लगेंगी जो कि हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाले हैं। बाकी ये था गाइज आज का पूरा व्लॉग। तनिष और कृष्णा भी जस्ट अभी गए हैं, उनको भूख लग रही थी यार काफ़ी ज़्यादा तेज़, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई मैं कर लेता हूँ। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड अगर चैनल पर न्यू तो भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी, होली दिवाली हर चीज़ों की वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।